नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उस महाभव्य भवन की आठवीं मंजिल के जीने से सातवीं मंजिल के जीने की सूनी सूनी सीढ़ियों पर नीचे उतरते हुए उस विद्यार्थी का चेहरा भीतर से किसी प्रकाश से लाल हो रहा था। वह चमत्कार उसे प्रभावित नहीं कर रहा था जो उसने हाल हाल में देखा। तीन कमरे पार करता हुआ वह विशाल वज्रबाहु हाथ उसकी आंखों के सामने फिर से खिंच जाता। उस हाथ की पवित्रता ही उसके ख्याल में जाती, किंतु वह चमत्कार चमत्कार के रूप में उसे प्रभावित नहीं करता था। उस चमत्कार के पीछे ऐसा कुछ है जिसमें वह घुल रहा है, लगातार घुलता जा रहा है। वह कुछ क्या किसी महापंडित की जिंदगी का सत्य नहीं है? नहीं, वही है, वही है। पांचवी मंजिल से चौथी मंजिल पर उतरते हुए ब्रह्मचारी विद्यार्थी उस प्राचीन भव्य भवन की सूनी सूनी सीढ़ियों पर यह श्लोक गाने लगता है। मेघो मेदुर्मम्बरम वन भुवा श्यामास्त माल द्रुम नक्तम भीरुर्यम त्वमेव तदिम राधे ग्रहम प्राप्य इतदम नंद निदेशत चलित्य प्रत्युध्वकुंज द्रुम राधा माधव योजयंती यमुना कुले रहा के लय। इस भवन से ठीक 12 वर्ष के बाद यह विद्यार्थी बाहर निकला है। उसके गुरु ने जाते समय राधा माधव की यमुना कुल क्रीड़ा में घर भूली हुई राधा को बुला रहे नंद के भाव प्रकट किए हैं। गुरु ने एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य का बोध विद्यार्थी को करवाया। विद्याध्ययन के बाद अब उसे पिता के चरण छूना है। पिताजी, पिताजी, माँ, माँ, यह ध्वनि उसके हृदय में फूट निकली। किंतु ज्यो-ज्यो वह छंद सूने भवन में गूंजता घूमता गया, त्यों-त्यों विद्यार्थी के हृदय में अपने गुरु की तस्वीर और भी तीव्रता से चमकने लगी। भाग्यवान है वह जिसे ऐसे गुरु मिले। जब वह चिड़ियों के घोंसलों और बर्रों के छत्तों भरे सूने ऊंचे सिंह द्वार के बाहर निकला तो एकाएक राह से गुजरते हुए लोग भूत भूत कहकर भाग खड़े हुए। आज तक उस भवन में कोई नहीं गया था। लोगों की धारणा थी कि वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है। अब से 12 साल और कुछ दिन पहले सड़क पर दोपहर के 2 बजे एक देहाती लड़का भूखा प्यासा अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ उसी बगल वाले ऊंचे सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा के झोंकों से फूलों के फलों का रेशमी कपास हवा में तैरता हुआ दूर दूर तक और इधर उधर बिखर रहा था। उसके माथे पर फिक्र गुंत बिंत रही थी। उसने पास में पड़ी हुई एक मोटी ईंट सिरहाने रखी और पेड़ तड़े लेट गया। धीरे धीरे उसकी विचार मग्नता को तोड़ते हुए कान के पास उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वे कौन थे? उनमें से एक कह रहा था, अरे वह भट्ट नितांत मूर्ख है और दंभी भी। मैंने जब उससे ईशावास्योपनिषद की कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा तो वह बौखला उठा। इस काशी में कैसे कैसे दंभी इकट्ठे हो जाते हैं। वार्तालाप सुनकर वह लेटा हुआ लड़का खट से उठ बैठा। उसका चेहरा धूल और पसीने से ग्लान और मलिन हो रहा था, भूख और प्यास से निर्जीव। वह एकदम बात करने वालों के पास खड़ा हुआ, हाथ जोड़े माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य और प्रार्थना के दयनीय भाव कहने लगे, हे विद्वानों, मैं मूर्ख हूँ, अपड़ देहाती हूँ, किंतु ज्ञान प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रखता हूँ। हे महाभागो, आप विद्यार्थी प्रतीत होते हैं, मुझे विद्वान गुरु के घर की राह बताओ। पेड़ तले बैठे हुए 2 बटुक विद्यार्थी उस देहाती को देखकर हंसने लगे। पूछा, कहाँ से आया है? दक्षिण के देहात से। पढ़ने लिखने से मैंने बैर किया तो विद्वान पिताजी ने घर से निकाल दिया। तब मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि काशी जाकर विद्याध्ययन करूँगा। जंगल जंगल घूमता राह पूछता मैं आज ही काशी पहुँचा हूँ। कृपा करके गुरु का दर्शन कराइए। अब दोनों विद्यार्थी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक जो विदूषक था कहने लगा, देख बे, सामने सिंह द्वार है, उसमें घुस जा, तुझे गुरु मिल जाएगा। कहकर वह ठठाकर हंस पड़ा।
आशा ना थी कि गुरु बिल्कुल सामने ही है। देहाती लड़की ने अपना डेरा डंडा संभाला और बिना प्रणाम किए तेजी से कदम बढ़ाता हुआ भवन में दाखिल हो गया। दूसरे बटुक ने पहले से पूछा, तुमने अच्छा किया उसे वहां भेजकर, उसके हृदय में खेद था और पाप की भावना। दूसरा बटुक चुप था, उसने अपने किए पर खिन्न होकर सिर्फ इतना ही कहा, आखिर ब्रह्म राक्षस का रहस्य भी तो मालूम हो। सिंह द्वार की लाल लाल बर्रे गूंगू करती उसे चारों ओर से काटने के लिए दौड़ी, लेकिन ज्यों ही उसने उसे पार कर लिया तो सूरज की धूप में चमकने वाली भूरी घास से भरे विशाल सूने आंगन के आसपास चारों ओर उसे बरामदे दिखाई दिए। विशाल भव्य और सूने बरामदे जिनकी छतों में फानूस लटक रहे थे। लगता था कि जैसे अभी अभी उन्हें कोई साफ करके गया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। आंगन से दिखने वाली तीसरी मंजिल की छज्जे वाली मुंडेर पर एक बिल्ली सावधानी से चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे एक जीना भी दिखाई दिया, लंबा चौड़ा साफ सुथरा। उसकी सीढ़ियां ताजे गोबर से पुती हुई थी, उसकी महक नाक में घुस रही थी। सीढ़ियों पर उसके चलने की आवाज गूंजती पर कहीं कुछ नहीं। वह आगे आगे बढ़ता चढ़ता गया। दूसरी मंजिल के छज्जे मिले जो बीच के आंगन के चारों ओर फैले हुए थे। उनमें सफेद चादर लगी गद्दियां दूर दूर तक बिछी हुई थी। एक और मृदंग, तबला, सितार आदि अन्य वाद्य यंत्र करीने से रखे हुए थे। रंग बिरंगे फानूस लटक रहे थे और कहीं अगरबत्तियां जल रही थी। इतनी प्रबंध व्यवस्था के बाद भी उसे कहीं मनुष्य के दर्शन नहीं हुए और ना कोई पैरों की आवाजें। उसने सोचा शायद ऊपर कोई होगा। उसने तीसरी मंजिल पर जाकर देखा, फिर वही सफेद सफेद गद्दियां, फिर वही फानूस, फिर वही अगरबत्तियां, वही खाली खालीपन, वही सूनापन, वही विशाल था, वही भव्य था और वही मनुष्यहीनता। अब उस देहाती के दिल से आह निकली, यह क्या, यह कहां फंस गया। लेकिन इतनी व्यवस्था है तो कहीं कोई जरूर होगा। इस ख्याल से उसका डर कम हुआ और बरामदे में से घुसता हुआ अगले जीने पर चढ़ने लगा। उस बरामदे में कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ दरियां बिछी हुई थी। कुछ तैल चित्र टंगे थे, खिड़कियां खुली हुई थी जिनमें से सूरज की पीली किरणें आ रही थी। दूर ही से खिड़की के बाहर जो नजर जाती तो बाहर का हरा भरा ऊंचा नीचा ताल तलैयों पेड़ पहाड़ों वाला नजारा देखकर पता चलता कि यह मंजिल कितनी ऊंची है और कितनी निर्जन। अब वह देहाती लड़का भयभीत हो गया। यह विशालता और निर्जनता उसे आतंकित करने लगी, वह डरने लगा। वह इतना ऊपर आ गया था कि नीचे देखने से ही उसकी आंखों में चक्कर आ जाता। उसने ऊपर देखा तो सिर्फ एक ही मंजिल शेष थी। उसने अगले जीने से ऊपर की मंजिल चढ़ना तय किया। डंडा कंधे पर रखे और गठरी खोसे वह लड़का धीरे धीरे अगली मंजिल का जीना चढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज उसी से न जाने क्या फुसलाती और उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द संवेदनाएं गुजरने लगती। जीना खत्म हुआ तो फिर एक भव्य बरामदा मिला, लिपापुता और अगरू गंध से महकता हुआ। सभी ओर मृगासन व्याघासन बिछे हुए थे। एक ओर योजना विस्तार दृश्य देखती खिड़की के पास देव पूजा में संलग्न मन मुंधी आंखों वाले ऋषि मनीषी कश्मीर की कीमती शॉल ओढ़े ध्यानस्थ बैठे। लड़के को हर्ष हुआ, उसने दरवाजे पर मत्था टेका। आनंद के आंसू आंखों में खिल उठे, उसे स्वर्ग मिल गया। ध्यान मुद्रा भंग नहीं हुई तो मन ही मन माने हुए गुरु को प्रणाम कर लड़का जीने की सर्वोच्च सीढ़ी पर लेट गया। तुरंत ही उसे नींद आ गई, वह गहरे सपनों में खो गया। थकित शरीर और संतुष्ट मन ने उसकी इच्छाओं को मूर्त रूप दिया। वह विद्वान बनकर देहात में अपने पिता के पास वापस पहुंच गया है। उनके चरणों को पकड़े उन्हें अपने आंसुओं से तर कर रहा है और आर्द्र हृदय से कह रहा है, पिताजी मैं विद्वान बनकर आ गया, मुझे और सिखाइए, मुझे राह बताइए, पिताजी, पिताजी। और माँ अपने आंचल से आंखें पोंछती हुई
पुत्र के ज्ञान गौरव से भरकर उसे अपने हाथ से खींचती हुई गोद में भर रही है। श्राशमुख पिता का वात्सल्य भरा हाथ उसके शीश पर आशीर्वाद का छत्र बनकर फैला हुआ है। वह देहाती लड़का चल पड़ा और देखा कि उस तेजस्वी ब्राह्मण का देदीप्यमान चेहरा, जो अभी अभी मृदु और कोमल होकर उस पर किरणें बिखेर रहा था, कठोर और अजनबी होता जा रहा है। ब्राह्मण ने कठोर होकर कहा, तुमने यहां आने का साहस कैसे किया? यहां कैसे आए? लड़के ने मत्था टेका, भगवान, मैं मूढ़ हूं, निरक्षर हूं, ज्ञान अर्जन के लिए यहां आया हूं। ब्राह्मण कुछ हंसा, उसकी आवाज धीमी हो गई, किंतु दृढ़ता वही रही, सूखापन और कठोरता वही। तूने निश्चय कर लिया है? जी। नहीं, तुझे निश्चय की आदत नहीं है, एक बार और सोच ले। जा, फिलहाल नहा धो उस कमरे में, वहां जाकर भोजन कर ले, सोच विचार, कल मुझे मिलना। दूसरे दिन प्रत्युष काल में लड़का गुरु से पूर्व जागृत हुआ, नहाया धोया, गुरु की पूजा की थाली सजाई और आज्ञाकारी शिष्य की भांति आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शरीर में अब एक नई चेतना आ गई थी, नेत्र प्रकाशमान थे, विशाल बाहु, प्रथु वृक्ष तेजस्वी, ललाट वाले अपने गुरु की चर्या देखकर लड़का भावुक रूप से मुग्ध हो गया था। वह छोटे से छोटा होना चाहता था, जिससे लालची चींटी की भांति जमीन पर पड़ा, मिट्टी में मिला, ज्ञान की शक्कर का एक एक कण साफ देख सके और तुरंत पकड़ सके। गुरु ने संशयपूर्ण दृष्टि से देख उसे डपट कर पूछा, सोच विचार लिया? जी, की डरी हुई आवाज। कुछ सोचकर गुरु ने कहा, नहीं, तुझे निश्चय करने की आदत नहीं है, एक बार पढ़ाई शुरू करने पर तुम 12 वर्ष तक फिर यहां से निकल नहीं सकते, सोच विचार लो। अच्छा, मेरे साथ 1 बजे भोजन करना, अलग नहीं। और गुरु व्याघासन पर बैठकर पूजा अर्चना में लीन हो गए। इस प्रकार 2 दिन और बीत गए। लड़के ने अपना एक कार्यक्रम बना लिया था, जिसके अनुसार वह काम करता रहा। उसे प्रतीत हुआ कि गुरु उससे संतुष्ट है। एक दिन गुरु ने पूछा, तुमने तय कर लिया है कि 12 वर्ष तक तुम इस भवन के बाहर पग नहीं रखोगे? नतमस्तक हो लड़के ने कहा, जी। गुरु को थोड़ी हंसी आई, शायद उसकी मूर्खता पर या अपनी मूर्खता पर, कहा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि क्या इस निरे निरक्षर के आंखें नहीं है? क्या यहाँ का वातावरण सचमुच अच्छा मालूम होता है? उन्होंने अपने शिष्य के मुख का ध्यान से अवलोकन किया, एक सीधा भोला भाला निरक्षर बाल मुख, चेहरे पर निष्कपट निश्चल ज्योति। अपने चेहरे पर गुरु की गड़ी हुई दृष्टि से किंचित विचलित होकर शिष्य ने अपना निरक्षर बुद्धि वाला मस्तक और नीचा कर लिया। गुरु का हृदय पिघला, उन्होंने दिल दहलाने वाली आवाज से, जो काफी धीमी थी, कहा, देख, 12 वर्ष के भीतर तू वेद, संगीत, शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, साहित्य, गणित आदि आदि समस्त शास्त्र और कलाओं में पारंगत हो जाएगा। केवल भवन त्याग कर तुझे बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। ला वह आसन, यहां बैठ। और इस प्रकार गुरु ने पूजा पाठ के स्थान के समीप एक कुशासन पर अपने शिष्य को बैठा, परंपरा के अनुसार पहले शब्द रूपावली से उसका विद्याध्ययन प्रारंभ किया। गुरु ने मृदुता से कहा, बोलो बेटे, रामा रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया। और इस बाल विद्यार्थी की अस्फुट हृदय की वाणी उस भयानक निसंग शून्य निर्जन वीरान भवन में गूंज गूंज उठती। सारा भवन गाने लगता, रामा रामो रामा प्रथमा। धीरे धीरे उसका अध्ययन सिद्धांत कौमुदी एक आया और फिर अनेक विद्याओं को आत्मसात कर वर्ष एक के बाद एक बीतने लगे। नियमित आहार विहार और संयम के फल स्वरूप विद्यार्थी की देह पुष्ट हो गई और आंखों में नवीन तरुण्य की चमक प्रस्फुटित हो उठी। लड़का जो देहाती था अब गुरु से संस्कृत में वार्तालाप भी करने लगा। केवल एक ही बात वह आज तक नहीं जान सका, उसने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया।
वह यह कि इस भव्य भवन में गुरु के समीप इस छोटी सी दुनिया में यदि और कोई व्यक्ति नहीं है तो सारा मामला चलता कैसे है। निश्चित समय पर दोनों गुरु शिष्य भोजन करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से उन्हें सादा किंतु सुचारू भोजन मिलता। इस आठवीं मंजिल से उतर सातवीं मंजिल तक उनमें से कोई कभी नहीं गया। दोनों भोजन के समय अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों पर चर्चा करते। यहाँ इस आठवीं मंजिल पर एक नई दुनिया बस गई। जब गुरु उसे कोई छंद सिखलाते और जब विद्यार्थी मंदाक्रांता या शार्दुल विक्रीडित गाने लगता तो एकाएक उस भवन में हल्के हल्के मृदंग और वीणा बज उठती और वह वीरान निर्जन शून्य भवन वह छंद गा उठता। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा आज से तेरा अध्ययन समाप्त हो गया है, आज ही तुझे घर जाना है। आज 12वें वर्ष की अंतिम तिथि है, स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर आओ और अपना अंतिम पाठ लो। पाठ के समय गुरु और शिष्य दोनों उदास थे, दोनों गंभीर, उनका हृदय भर रहा था। पाठ के अनंतर यथाविधि भोजन के लिए बैठे। दूसरे कक्ष में वे भोजन के लिए बैठे थे। गुरु और शिष्य दोनों अपनी अंतिम बातचीत के लिए स्वयं को तैयार करते हुए कौर मुंह में डालने ही वाले थे कि गुरु ने शिष्य से कहा, बेटे खिचड़ी में घी नहीं डाला है। शिष्य उठने ही वाला था कि गुरु ने कहा, नहीं नहीं उठो मत, और उन्होंने अपना हाथ इतना बढ़ा दिया कि वह कक्ष पार जाता हुआ अन्य कक्ष में प्रवेश कर क्षण के भीतर घी की चमचमाती लुटिया लेकर शिष्य की खिचड़ी में घी उड़ेलने लगा। शिष्य कांप कर स्तंभित रह गया। वह गुरु के कोमल वृद्ध मुख को कठोरता से देखने लगा कि यह कौन है, मानव है या दानव। उसने आज तक गुरु के व्यवहार में कोई अप्राकृतिक चमत्कार नहीं देखा था। वह भयभीत स्तंभित रह गया। गुरु ने दुखपूर्ण कोमलता से कहा, शिष्य ब्रह्म राक्षस हूँ किंतु फिर भी तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को मत डाला किंतु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य ना मिल पाया कि जिसे मैं समस्त ज्ञान दे पाता, इसलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गई और मैं ब्रह्म राक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा। तुम आए, मैंने तुम्हें बार बार कहा लौट जाओ, कदाचित तुम में ज्ञान के लिए आवश्यक श्रम और संयम ना हो, किंतु मैंने तुम्हारी जीवन गाथा सुनी। विद्या से बैर रखने के कारण पिता द्वारा अनेक ताड़नाओं के बावजूद तुम गवार रहे और बाद में माता पिता द्वारा निकाल दिए जाने पर तुम्हारे व्यथित अहंकार ने तुम्हें ज्ञान लोक का पथ खोज निकालने की ओर प्रवृत्त कर दिया। मैं प्रवृत्तिवादी हूँ, साधु नहीं। सैकड़ों मील जंगल की बाधाएं पार कर तुम काशी आए, तुम्हारे चेहरे पर जिज्ञासा का आलोक था। मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति की, तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का पाया हुआ उत्तरदायित्व मैंने पूरा किया, अब मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर आ गया है। जब तक मेरा दिया तुम किसी और को ना दोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। शिष्य आओ मुझे विदा दो, अपने पिताजी और माँ जी को प्रणाम कहना। शिष्य ने साश्रमुख ज्यो ही चरणों पर मस्तक रखा, आशीर्वाद का अंतिम कर स्पर्श पाया और ज्यो ही सिर ऊपर उठाया तो वहां से वह ब्रह्म राक्षस तिरोधान हो गया। वह भयानक वीरान निर्जन बरामदा सूना था। शिष्य ने ब्रह्म राक्षस गुरु का व्याघ्रासन लिया और उनका सिखाया पाठ मन ही मन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।